फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र नगला पान सहाय में वार्ड नंबर 29 के विजय नगर कॉलोनी बालाजी नगर की क्षेत्रीय महिला पुरुषों ने बिजली पानी आदि की समस्या को लेकर सड़क पर जाम लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कहा क्षेत्रीय पार्षद ने भी कोई सुनवाई नहीं की। इस दौरान उक्त महिला पुरुषों ने नारेबाजी भी की। बताया गया कि उक्त क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से बिजली पानी आदि समस्याएं हैं, जिनको लेकर न तो क्षेत्रीय पार्षद कोई सुनवाई कर रहे न अन्य कोई जनप्रतिनिधि। जाम की सूचना पर स्थानीय चैकी पुलिस मौके पर पहुंच गई और समस्या को सुनकर उसके निदान को लेकर स्थानीय नागरिकों से बात की समझाया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। विजयनगर कॉलोनी निवासी पूनम का कहना था कि कई दिन से बिजली नहीं है, कनेक्शन नहीं करते हैं। लड़की बीमार है, 12-13 साल की, गंदगी के कारण भी परेशान है। 3 दिन हो गए लाइट काटने के कारण पानी तक नहीं भर सके। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। बंद कर दी। नाम क्या है? मेरा नाम पूनम है। पूनम जी कहाँ रहती हो? विजयनगर कॉलोनी में। वार्ड कौन सा है? वार्ड 29। क्या क्या समस्या को लेकर सड़क पे हो आप? मेरा बिजली नहीं है, वो कनेक्शन नहीं करते हैं, ऑनलाइन नहीं होती है। मेरी लड़की बीमार है, 12-13 साल की है, उसकी लड़की की गर्मी के मारे बहुत परेशान है। 3 दिन हो गए। कितना समय हो गया? 3 दिन हो गए, लाइट कटे हुए हैं। 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है, बिजली क्यों लाइट काटती है? मेरे घर में पानी आ रहा, खर्चा इतना इतना खोता पानी आ रहा है। तो पार्षद से नहीं बोला? पार्षद से पार्षद से बैठे हैं।